सपना तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जैसा कि सभी को पता है कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, तो स्पेशली जो लॉज हैं इस वक्त बहुत वीक चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, शहर में क्राइम, पूरा देश प्रदेश सब परेशान है। महिलाओं से जानेंगे कि बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, कि सरकार को महिलाओं के लिए क्या विशेष रणनीति लेके आनी चाहिए, उनके लिए क्या ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिससे लड़कियां जो सड़क पर निकलती हैं वो सेफ्टी इश्यूज से ना ग्रसित रहें, उसके साथ साथ उनके क्या और एक्सपेक्टेशन से जानेंगे। तो आप बताइए, आपका नाम क्या? मीना जुनेजा। आप बजट से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? यही नॉर्मल थिंग्स जो है, रूटीन की, टॉयलेट साफ होने चाहिए और गर्ल्स के लिए करना चाहिए सेफ्टी पॉइंट से, जगह जगह CCTV कैमरे होने चाहिए। तो इस वक्त जो देश की पूरा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ती जा रही है, आए दिन हम रेप की घटनाएं सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार कहां पर कमियां छोड़ रही है जो अब पूरी हो जानी चाहिए? तो ये कहते हैं जो भी रेप करे उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ऐसे और छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, 2-2.5 साल के बच्चे के साथ, इसमें बच्चे की तो कोई गलती है नहीं ना, इसमें तो मतलब सरकार को सोचना चाहिए जो ऐसे गलत काम कर उसे फांसी पर लटका दिया जाए। बच्चे की भी गलती नहीं तो बड़ी की कौन सी गलती होती है? बड़ी की भी नहीं होती, बड़े नेता लोग होते हैं, बच्ची की तो नहीं होती, तो बड़ी की भी कौन सी गलती होती है? बजट में ऐसी क्या क्या चीजें उनको मेंशन करनी चाहिए जो लड़कियों के लिए थोड़ा सुरक्षा के नजर से बहुत? CCTV कैमरा जरूर होना चाहिए, CCTV कैमरा ये तो जरूर होना चाहिए हर चौराहे पे, हर जगह पे। और अगर कोई दोषी मिलता है तो उसको पूरी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये बीच में जो लोग आ जाते हैं वो उसको कवर करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं सफाई और स्वच्छता की बात करूं कि पब्लिक टॉयलेट्स, अब आप देखेंगे कि हर जगह जेंट्स के टॉयलेट ज्यादा मिलेंगे आपको, लेडीज के लिए टॉयलेट नहीं मिलते हैं या फिर होते हैं तो बहुत गंदे होते हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जैसे हाईवेज हैं सारे, उन पे सब पे जो है, और लेडीज के लिए भी, इवन जेंट्स के लिए भी अलग अलग जो है वो रेस्ट रूम्स होने चाहिए ताकि लेडीज जो आराम से वहाँ पे जा सके। लेडीज की सेफ्टी भी होगी, बच्चों की सेफ्टी भी होगी और जेंट्स के लिए भी, और सफाई भी रहेगी। लेडीज अपनी जिम्मेदारी समझेंगी, जेंट्स अपनी जिम्मेदारी, तो सेपरेट जो है वो रेस्ट रूम्स होने चाहिए हाईवेज के ऊपर हर 10 किलोमीटर्स पे या 15 किलोमीटर्स पे। तो ये सरकार को जरूर देखना चाहिए आगे से अपने बजट में, तो ये सब रखना चाहिए। मार्केट में भी मस्ट है, मार्केट में भी जेन्युइन है, मार्केट में भी होने चाहिए। तो अभी अगर मैं कुछ परेशानियों की बात करूँ कि आप लोग जब कहीं पे जाते हैं तो क्या क्या परेशानियाँ आपको महसूस होती हैं कि ये चीजें बजट में मेंशन हो ही जानी चाहिए ताकि पुलिस भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, साथ ही साथ लोग भी अवेयर रहें, तो क्या वो चीजें हैं? नहीं, एक्चुअली पुलिस के लिए बिकॉज उनकी सैलरीज इतनी कम होती हैं तो वो कुछ ना कुछ सुविधा शुल्क की उम्मीद करते हैं, तो उनकी जरूर उनकी ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी पे पूरे तैनात रहें और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, स्पेशली हमारे जो भी हमारे सिटीजन, हमारे नागरिक, हाँ उनकी फैसिलिटीज पूरी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वही शौचालय, वो तो बहुत ही जरूरी है ताकि पूरी, ये देखो आसपास अगर आप देखेंगे तो नालियों में कचरा ढेर, गंद, आदमी लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो वो सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है, वो सही बात है। पब्लिक प्लेसेस में भी एंड हाईवेज पे भी शौचालय जरूर होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क प्लेस की, जो लड़कियां जॉब कर रही हैं तो कई प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, तो उसमें क्या क्या कुछ रूल रेगुलेशंस होने चाहिए या फिर ऑफिस एनवायरमेंट को किस तरीके से सुधारा जा सकता है जो लड़कियों के लिए बहुत सेफ हो, क्योंकि आप लोग माएँ, आपकी भी कुछ बेटियां बाहर होंगी, तो क्या क्या मुश्किलें सामना करना पड़ता है उनको, क्या होना चाहिए इसमें बताइए कुछ? नहीं तो कैब में किसी को भी एडिशनल वो ड्यूटी देनी चाहिए कि वो घर तक छोड़ के आए और उनको फिर वापस आए, टाइमिंग्स होने चाहिए। तो ये है ना, ऑफिस में कौन होगा? ऑफिस में तो फिर बड़ा वहीं देख सकते हैं ना, वहाँ पर भी ये वाला अरेंजमेंट होना चाहिए, सीसी कैमरे का होना चाहिए, जरूर होना चाहिए वहाँ पर, साथ एक पुलिस वाला या कोई भी गार्ड जाना चाहिए। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजट आने वाला है, और निर्मला सीतारमण से आज यहाँ की महिलाओं का कहना है कि उन्हें अब जितनी भी चीज़ों में कमियाँ पहले हुई हैं अब नहीं होनी चाहिए, सड़कों पर सुरक्षा की नज़र से हर जगह कैमरा लगे होने चाहिए, तो यहाँ पे सबकी पुकार। यहाँ पे कुछ और भी कहना चाहते हैं जी, डॉगी होते हैं ना, डॉगी पालतू डॉगी होते हैं, वो लोग ना मतलब घर के आगे ही पोटी करवा देते हैं, वो दूसरों को घर के आगे करवाते हैं पोटी, उनको वो कुछ उनको सजा पनिश मिलना चाहिए कि जब बाहर पोटी प्रावधान इस तरह के होने। हम देख लेते हैं तो बोलते तो हैं हम लोग कि ये तुम अपना घर छोड़ के हमारे घर के आगे क्यों, डस्टबिन वगैरह ना भाई उठाओ, जैसे बाहर जैसे फॉरेन में होता है ऐसे। तो यहाँ पर जो उम्मीदें हैं वो बहुत अच्छी हैं, कुछ भी इसमें कमी नहीं है। के लिए पनिशमेंट जरूर होनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल लॉस भी हो तभी ये हमारा देश सुधर सकता है।
चाहे वो कुछ भी। हमारे तो सफाई से लेकर सुरक्षा तक हर चीज की जो फैसिलिटीज है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि बजट जो आने वाला है वो सभी के हित में होगा। कैमरामैन नितिन यादव के साथ प्रेरणा तलवार, फर्स्ट बाइट।